गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस, क्लास प्लस वन, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, चैप्टर थर्ड, आंकड़ों के संकलन की जनगणना तथा प्रतिदर्श विधियां। आंकड़े यानी कि जो हमारे पास डाटा है बेटे, उनको संकलन करना यानी कि इकट्ठा करना यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा, और वो डाटा किसकी सहायता से कलेक्शन करना, विद द हेल्प ऑफ टू मेथड्स। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट मेथड इज कंसेंसस मेथड, सेंसस मेथड जिसको जनगणना विधि भी कहा जाता है, और सेकंड वी विल डिस्कस अबाउट सैंपल मेथड जिसको हिंदी में प्रतिदर्श विधि कहा जाता है। जैसा कि आपको लेसन के नाम से पता चला कि जो हमारे पास डाटा है यानी कि किसी भी विषय से संबंधित हमारे पास जो डाटा है उसको इकट्ठा करना और उसको डिवाइडेशन करना विद द हेल्प ऑफ टू मेथड्स, तो इन मेथड से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सेंसस, जनगणना क्या है। जन यानी कि जो जनता है, और गणना में किसी चीज की गिनती करना बेटे, जनसंख्या या समग्र की पूरी गणना या गिनती करना ही जनसंख्या कहलाती है। यानी कि जो हमारी जनसंख्या है यानी कि अगर हम क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं 20, 30, 40, तो उनको काउंट करना ही क्या कहलाएगी, जनगणना कहलाएगी। फॉर एग्जांपल हम ये भी कह सकते हैं कि इन फरवरी 2011 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 120 करोड़ एंड Now our population is 130, near about 135 crores. Second, हम पढ़ेंगे बेटे जनसंख्या क्या है, what is population, और समग्र यानी कि universe, सांख्यिकी के किसी विषय से संबंधित सभी मतों के कुल समूह को समग्र या जनसंख्या कहा जाता है। यानी कि जो हमारे पास statistics है उसके अंदर जो हमने एक विषय लिया, जैसे हम पढ़ते हैं 10th क्लास में या प्लस वन क्लास में जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्टों को इकट्ठा करने के बाद जो हम इवेल्यूएशन निकालते हैं, जिस प्रकार आपने 10th क्लास में 400 नंबर लिए तो 80% हुआ है, उसी प्रकार ये जनगणना है जिसके विषय में जानकारी प्राप्त करनी है। कुछ पुस्तकों में इसे समष्टि अर्थशास्त्र भी कहा जाता है जी। यानी कि आप जब प्लस टू में जाओगे तो बेटे यहाँ दो पार्ट हो जाएंगे, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं बेटे, कहता चीनी का एक कारखाना है, किसी भी शहर में लगा लो, किसी भी स्टेट में लगा लो, एक कारखाना है और उस शहर में इसके अलावा 10 और भी कारखाने हैं, तो उन सभी 10 की गणना करना ही क्या कहलाएगी, जनसंख्या कहलाएगी। यानी कि उस शहर में कितनी जनसंख्या है कारखानों की, तो हम टोटल करके हम बता देंगे कि 10 जी। आपके स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, तो आप क्या जवाब दोगे कि हमारे स्कूल में नियर अबाउट 900 या 1000 स्टूडेंट्स हैं, हमारी क्लास में लगभग 20 या 30 बेंच हैं, लगभग 5 पंखे हैं, तो ये सभी क्या हो जाएगी बेटे, ये जनसंख्या हो जाएगी। यानी कि उनकी संख्या कितनी है, अब हम उसको काउंट करेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटे हम सांख्यिकी अनुसंधान की विधियां यानी कि मेथड्स। अब मेथड कौन कौन से बेटे, इन फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट इज सेंसस मेथड एंड सेकंड इज सैंपल मेथड। सेंसस मेथड जनगणना विधि यानी कि जो जनता है उसकी गिनती करना यानी कि टोटल गिनती करना ही हम क्या कहलाएंगे, कौन सी विधि कहलाएगी, जनगणना विधि कहलाएगी। इसका क्षेत्र भी एक सीमित होता है। इस विधि के अंतर्गत
हम जो उत्पादन की गणना है यानी कि प्रोडक्शन की जो काउंटिंग करते हैं, यानी कि कितना हमारे देश में अनाज उत्पन्न हुआ उसकी गणना, और जो भारत की पॉपुलेशन है उसकी गणना इस विधि के सहायता से हम करते हैं। सेकंड आता है सैंपल मेथड, प्रतिदर्श विधि। नाम से स्पष्ट होता है प्रतिदर्श, यानी कि जो स्पष्ट में दिखाई देता है, यानी कि प्रतिनिधि करना, यानी कि जो प्रतिनिधित्व करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कोरोना पॉजिटिव या हमारा ब्लड ग्रुप चेक करवाने जाते हैं तो वो हमारे खून की कुछ ही बूंदें निकालता है और हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी खून में सेल्स हैं, उन सभी के बारे में वो बता देता है। तो वो कौन सी विधि है? वो कहलाती है अपने प्रतिदर्श विधि। आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इन वीडियो के मेरिट्स और डिमेरिट्स की इमेजेस भेजी जाएगी बेटे, वो आपको फेयर नोटबुक में नोट डाउन करनी है जो आगे आपको काम आएगी सेकंड यूनिट टेस्ट के लिए। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।